Hi everyone, welcome to my class. This is Trupti and I am back with the new video. In this video we are going to talk about the new and interesting thing that is electromagnetic induction, and also we will discuss some exercise from your chapter magnetic effect of electric current. Okay, so far we have learned so many topics like solenoid, force on a current carrying conductor, magnetic field due to a straight conductor, सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने स्टडी किए हैं इस चैप्टर में. ओके, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वो काफ़ी डिफरेंट है इन सभी फिनोमेना से, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टडी किया वो बेस्ड था कि करंट आपने सर्किट में प्रोड्यूस करवाया एंड देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ. ओके, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में ये डिफरेंट है, ये अपोजिट है. ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट होगा और वो किस तरह से, किस वे में होगा, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे. ओके, एंड यस, आई हैव अ वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस. कैन वी गेट करंट विदाउट अ बैटरी? यस, आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट अ बैटरी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. ओके, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखते हैं. स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक एबी कॉइल लिया है जिसपे कॉपर इंसुलेटेड वायर के टर्न्स हैं काफ़ी सारे, और इनके टू एंड्स को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है. गैल्वेनोमीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट. मीन्स गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट की प्रेजेंस को बताता है, और वो किस तरह से बताता है कि उसका अंदर जो एक नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि इसके अराउंड करंट जनरेट हो गई है. ओके, देखिए आप क्या करते हैं, हम कॉइल ए बी के एंड बी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखते हैं, और वो मैग्नेट इस तरह से रखते हैं कि उसका नॉर्थ पोल बी के साइड रहे और साउथ पोल अपोजिट साइड रहे. ओके, अब हमने इस मैग्नेट को मूव करवाया टूवर्ड्स द एंड बी, तो ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन है, एंड देन हमने मैग्नेट को बी से अवे मूव करवाया, देन अगेन डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर में. ओके, तो इससे क्या चीज़ें निकल के बाहर आती है कि जब हम मैग्नेट का मोमेंट करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मीन्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अराउंड. ओके, और यस, अगर मैग्नेट की डायरेक्शन इस तरह से है तो गैल्वेनोमीटर में राइट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट अगर मैग्नेट की डायरेक्शन, मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रहा है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट के डायरेक्शन पर भी करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है. ओके, अगर आपने यहाँ पे मूवमेंट चेंज कर दिया देन करंट भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा. यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने क्या किया कि मैग्नेट के मूवमेंट से करंट को प्रोड्यूस किया है, करंट को प्रोड्यूस किया है, एंड द करंट विल बी द इंड्यूस्ड करंट, एंड ऑल दिस फिनोमिनन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मीन्स इससे जो करंट जनरेट हुई है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, ये पॉइंट क्लियर है? अब हमारे सामने एक ये क्वेश्चन है कि सिर्फ हमारे पास एक यही मेथड है जिससे हम करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं, करंट को जनरेट करवा सकते हैं, तो आंसर है नहीं. एक और मेथड है जिसके थ्रू आप करंट को जनरेट करवा सकते हैं, तो देखिए हम उस मेथड को सीखते हैं. करंट को हम दूसरे वे में भी इंड्यूस करवा सकते हैं. ओके, उसके लिए इस डायग्राम को देखिए. इसमें देखिए आपने एक कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल के थ्रू टू कॉइल्स लिए हैं, कॉइल वन एंड कॉइल टू. ओके, कॉइल वन और कॉइल टू को एक सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग रोल में लगा दिया है, अटैच कर दिया है, और कॉइल वन को हमने अटैच किया है बैटरी के थ्रू, एंड कॉइल सेकंड को हमने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर के थ्रू. ओके, इतना जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको क्लियर है? अब इसका जो वर्किंग है वो किस तरह से वर्क करता है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे ही बैटरी की की को ऑन किया, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया और करंट फ्लो की वजह से कॉइल वन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। ओके, कॉइल वन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से कॉइल टू में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ओके, हमने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ कब, जब हमने यहाँ पर बैटरी को ऑन किया, करंट जनरेट हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ एंड देन कॉइल टू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर ने। ऑब्जर्व ये किया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वे में भी आप करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं एंड दैट करंट विल बी द इंड्यूस्ड करंट। ओके, आई होप ये टू वेज आपको समझ में आए होंगे। करंट को प्रोड्यूस करवाने के दो तरीके हैं विदाउट बैटरी। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि आप डायरेक्शन को कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्शन को कैसे आप शो करेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट में। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए एक सिंपल सा रूल आया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड लेना है और राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को इस तरह से रखना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें। ओके, देन अगर आप थंब की डायरेक्शन में मोशन करवा रहे हैं कंडक्टर को और आपका जो फोर फिंगर है वो शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मिडिल फिंगर है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो इस रूल के थ्रू आप इजीली करंट की और वी कैन से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, उस पर डिस्कस करते हैं और उनका वेटेज क्या है एग्जाम में वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हम न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं। ओके, सो आपके एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 240 पर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की आपको 2 मेथड्स बतानी है। ओके, सो अगर 2 मेथड्स हैं तो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 3 मेथड्स हैं तो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट आपका, आप हॉर्शू मैग्नेट, आपने फोर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि आप हॉर्शू मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ओके, सोलेनोइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं एंड करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके आंसर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? Can you determine the north-south poles of current-carrying solenoid with the help of bar magnet? Explain. इसका मतलब है कि आपका जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव किस तरह से करता है, आपको उसका रीज़न देना है और आप कैसे शो करेंगे, कैसे आप बता पाएंगे कि सोलेनॉइड का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मीन्स कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आप उस चीज़ को डील कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव किस तरह से करता है। तो यहाँ पर अगर आप ये कॉइल्स लें, कॉइल्स को हमने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की कॉइल्स को हमने टर्न्स ले लिए और इसके 2 एंड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया और आपको पता है कि जो सर्कुलर कॉइल है, अगर आप 1 सर्कुलर कॉइल लेते हैं तो क्या होता है, उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पर तो आपने काफ़ी सारी कॉइल्स ली हैं, तो आप उसके किसी भी पॉइंट पर सपोज कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करें सोलेनॉइड की तो वो इस तरह से प्रोड्यूस हुई है, ये आपने शो कर किया हुआ है। ओके, आपने सोलेनॉइड में शो किया है कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो इस तरह से प्रोड्यूस हुई है। अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता है, बस यही पता है कि ये फील्ड लाइंस है। अब इसकी डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन को पता करने के लिए या तो आप आपका राइट हैंड यूज़ करके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए आपके ये जो फिंगर्स हैं जो कर्ल हो रहे हैं वो शो करती है करंट की डायरेक्शन। मीन्स करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो ये जो थंब हमेशा रहेगा टुवर्ड्स द साउथ पोल। ओके, तो ये जो है आपका ये वाला जो एंड है वो साउथ पोल रहेगा। तो यहाँ देखिए इस बैटरी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंड होता है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरह से मीन्स इस तरह से है, तो ये आपका इस साइड वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। ओके, एंड अदर विल बी द नॉर्थ पोल। तो इस तरह से आप करंट की डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं इन सोलेनॉइड। ओके, सो आपने ये सोलेनॉइड में यहाँ पर डायरेक्शन बता दिया साउथ एंड नॉर्थ। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर है मीन्स उसमें करंट भी प्रोड्यूस हुआ है। तो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको बताना है कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा। तो हमेशा फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट विल बी द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक चेम्बर गिवन है और इस चेम्बर में यहाँ पर आप इस तरह से बैठे हुए हैं कि ये जो वॉल है इसके थ्रू आपका बैक रहेगा। ओके, अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आ रही है आपके जो बैक वॉल है वहाँ से स्टार्ट हुई है और फ्रंट वॉल पर गई। इलेक्ट्रॉन बीम मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी जस्ट अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो करंट की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी। अब आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर एक हेवी मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा जो कि आपके राइट साइड में मूव करवा देता है इलेक्ट्रॉन्स बीम को। ओके, तो आपका लेफ्ट साइड अगर आप इस तरह से बैठे हुए हैं तो आपका राइट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड वो हो जाएगा। तो आपके राइट साइड में मूव हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम्स। ओके, मीन्स फोर्स की डायरेक्शन यहाँ है और करंट की डायरेक्शन यहाँ है। ये बात क्लियर है? तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है कि इसने मूव कर दिया इलेक्ट्रॉन बीम को इस तरह से। ओके, एंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ये जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आपको रखना है लेफ्ट हैंड आपका, कि आपका जो थंब शो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द अपवर्ड डायरेक्शन, सो योर आंसर विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। Draw level diagram of electric motor, explain its principle, working and what is the function of split ring in the electric motor। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर की सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। तो ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। इसमें आपको डायग्राम भी शो करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल भी बताना है, आपको उसका वर्किंग भी बताना है एंड स्प्लिट रिंग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में, उसको भी पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपने अगर प्रिंसिपल, वर्किंग और स्प्लिट रिंग के बारे में पता करना है तो आप लास्ट वीडियो में देखिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम सम डिवाइसेस इन विच द इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। इलेक्ट्रिक मोटर जो यूज़ की जाती है काफ़ी सारे डिवाइसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स में, कूलर्स में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन में, फैंस में, कंप्यूटर में वाटर पंप्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A coil of insulated copper wire is connected to the galvanometer. What will happen if a bar magnet is pushed into the coil, withdraw from the side of coil, held stationary inside the coil? Okay, तो ये हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही इस कॉन्सेप्ट को समझा है कि अगर आप इंसुलेटेड कॉपर वायर कि अगर आपके पास एक कॉयल है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर के थ्रू अटैच्ड है गैल्वेनोमीटर से और उसके पास आपने एक बार मैग्नेट रख दिया तो वो मैग्नेट का जो डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द कॉयल दैट इज़ द राइट डिफ्लेक्शन एंड अवे फ्रॉम द कॉयल दैट इज़ द डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन. एंड अगर आप स्टेशनरी रख दें उस मैग्नेट को तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा. ओके, तो आपका फर्स्ट वाला जो ए का आंसर होगा दैट इज राइट डायरेक्शन में मूवमेंट, सेकंड का लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट और लास्ट वाला स्टेशनरी का नो डिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. टू सर्कुलर कॉयल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give the reason. Okay, ये भी पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, and second, force experienced by the current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it and current induced in a coil. तो देखिए ये तीनों का आपको 1 by 1 किस रूल पे डिपेंड है आपको उसका नाम बताना है. ओके, किन किन रूल्स पे डिपेंड है ये सारी चीज़ें आपको उन रूल्स को बताना है. तो फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर. स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो वहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया था. ओके, सो द आंसर विल बी द राइट हैंड थंब रूल फॉर द फर्स्ट. सेकेंड जो है वो मोटर के केस में, तो मोटर में हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है. सो योर आंसर विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, एंड थर्ड जो हमने अभी जस्ट स्टडी किया है इंड्यूस्ड करंट और उसके लिए आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड यूज़ किया है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज़ योर आंसर. सो दीज आर द 3 मार्क क्वेश्चंस. ओके, सो आपको सिर्फ इसमें रूल्स ही बताना है. तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं वो आप थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएंगे. और यस, अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बेसिस पे आप 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.